देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। प्राकृतिक आपदाओं की मार से बेबस बुंदेलखंड के महोबा में बेरोजगारी और भुखमरी के चलते पलायन कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है, जहां एक स्वयंसेवी संस्था ने लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। जी हां, गरीबी और भुखमरी के चलते बुंदेलखंड से पलायन कर रहे लोगों का पेट भरने के लिए सर्वधर्म भोजन समूह नाम की संस्था आगे आई है, जो मात्र 10 रुपए में अच्छा और पेट भर भोजन उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि संस्था द्वारा एक दिन में 100 लोगों के भोजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बिना भोजन के भूखा ना रहे। बता दें कि सर्वधर्म भोजन नाम की ये संस्था लोगों की भूख मिटाने के साथ ही आपसी भाईचारे का संदेश भी दे रही है। लोगों का इसमें योगदान है, महोबा नगर वासियों का। एक मन में भाव आया कि क्यों ना यहाँ की जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको कुछ बहुत कम पैसों में भोजन उपलब्ध कराया जाए, तो उस दिशा में सोचना प्रारंभ किया, लोगों से बताया, डिस्कस किया, सभी लोगों ने साथ देने को तैयार हुए। तो फिर इसकी शुरुआत परसों 27 तारीख से हम लोगों ने की है। म्यूज़िक सेंटर में वहीं खाना बनता है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक वहाँ से भोजन तैयार होकर यहाँ आ जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, और उसको पैक करके 10 रुपया में किसी को भी ले जा सकता है। और कोशिश ये होती है कि ज़रूरतमंदों को दें। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कृपया यहाँ पर वो सक्षम लोग ना आए खाना लेने। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो सस्ता खाना मिल रहा है ले लो, लेकिन हमें पता है उनकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं 70-80 रुपये का खाना। कोशिश करें कि वो इसको अवॉइड करें और उन ज़रूरतमंदों को यहाँ भेजें जिन्हें वास्तव में 10 रुपये में भोजन मिले और उन्हें खुशी हो, ये हम लोगों की कोशिश है। शुरुआती लक्ष्य था हमारा 100 व्यक्तियों का, लेकिन जब हमने देखा कि 1-1.5 घंटे में ही हमारा 100 लोगों का खाना खत्म हो गया, तो फिर कल से हम लोगों ने उसको 150 तक पहुंचाया और आज अभी तक 150 लोग लगभग खा चुके हैं और अभी भी खाना है। तो कोशिश यही है कि जो यहाँ पर आए ज़रूरतमंद खाना लेने, वो उनको मिले। खबर समय जगत के लिए महोबा से गौरव पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।